हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी केमिस्ट्री लैब में। आज हम ट्वेल्थ क्लास में प्रैक्टिकल करेंगे टू आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये अपना गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है ये हमें पता करना है। वैसे अपना फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, और हमने जो कंपाउंड लिया है वो अपना फॉर्मेल्डिहाइड है। तो अपन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेक करते हैं। तो सबसे पहले लिक्विड स्टेट दिख रही है इसकी, और ऑर्डर इसकी एक्टिव स्मेल है, और कलर दिख रहा है आपको ट्रांसपेरेंट। और सोल्युबिलिटी वाटर के अंदर चेक करते हैं, तो अपन ये वाटर में सोल्यूबल होता है। सबसे पहला टेस्ट आता है अपना लिटमस टेस्ट। कैसे करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हम ब्लू और रेड दोनों लिटमस सॉल्यूशन बारी बारी करके मिलाते हैं, तो देखते हैं कि दोनों के अंदर कोई भी चेंज नहीं होता, यानी कि अपना रिजल्ट रहता है कि जो कंपाउंड है वो न्यूट्रल नेचर का है। सिंपली ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम ब्लू लिटमस सॉल्यूशन ऐड करते हैं, तो अपना इसका कलर चेंज होता है या नहीं होता है तो देखते हैं। कोई कलर चेंज इसमें नहीं हो रहा है, ये ब्लू ही है। और हम दूसरे टेस्ट ट्यूब में ऑर्गेनिक कंपाउंड लेकर के रेड लिटमस सॉल्यूशन ऐड करते हैं, तो ये भी अपना रेड ही रहता है, यानी कि अपना जो कंपाउंड है न्यूट्रल है, दोनों लिटमस सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं हुआ। सेकंड टेस्ट है अपना फ्लेम टेस्ट। कुछ भी नहीं करना होता इसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम जब बर्न करते हैं तो ब्लैक स्मोक नहीं आती है, यानी अपना कंपाउंड क्या एलिफेटिक नेचर का है। अगर ब्लैक स्मोक आ रही है तो अपना क्या रिजल्ट रहता है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है। तो फिलहाल अभी अपना एलिफेटिक कंपाउंड है, वाइट स्मोक इसमें दिखाई देगी। इस तरह हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्पेचुला पर लेकर बर्नर पर बर्न कर रहे हैं, तो कोई हमें ब्लैक स्मोक नहीं दिखाई दे रही है। और ये अपना बिना किसी काले धुएं के जल रहा है, यानी अपना जो कंपाउंड है वो एलिफेटिक नेचर का है, काला धुआं इसमें नहीं निकल रहा है। बस टेस्ट नंबर अपना थर्ड एलिमेंट टेस्ट किसके लिए करते हैं, अपन सिर्फ नाइट्रोजन के लिए करते हैं। क्या करते हैं, अपनों को याद होना चाहिए कि LS बनाते हैं, उसके अंदर अपन फ्यू ड्रॉप्स NaOH मिलाते हैं, फिर फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 मिलाने पर ज़्यादातर अपने डीटी ग्रीन PPT आ जाती है। अगर इसके अंदर हम कंसनट्रेट H2SO4 मिलाने पर अपना ब्लू कलर या प्रेशेंट ब्लू कलर आ जाता है तो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो फिलहाल अपना इसमें नाइट्रोजन अब्सेंट है, ब्लू कलर इसमें नहीं आता है। अपना एलिमेंट टेस्ट करने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड का LS हमने लिया, इसमें फ्यू ड्रॉप्स NaOH की हम ऐड करते हैं इस तरह से, और फिर हम इसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 का सॉल्यूशन, ये टेस्ट ट्यूब में हमने लिया है FeSO4, इसमें जब ऐड कर रहे हैं तो अपना DT ग्रीन PPT आ रही है, तो नाइट्रोजन पॉसिबल हो सकता है। इसको अगर हम कंसनट्रेट H2SO4 ऐड कर रहे हैं ड्रॉपर से, देख रहे हैं कि ब्लू कलर आता है या नहीं आता है, तो ये अपनी PPT डिजोल्व होती जा रही है। इसको हम शेक करेंगे तो ये अच्छी तरह से डिजोल्व हो गई है, यानी अपना नाइट्रोजन अब्सेंट है, कोई ब्लू कलर नहीं आ रहा है। अपना टेस्ट नंबर फोर है 2,4-DNP टेस्ट। क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का टेस्ट ट्यूब में लेकर उसमें 2,4-DNP सॉल्यूशन मिलाने पर अपना येलो PPT आ जाती है, तो अपना एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में से कोई एक प्रेजेंट हो सकता है। इसको भी हम आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। ये अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड टेस्ट ट्यूब के अंदर, और इसमें हम 2,4-DNP सॉल्यूशन ऐड करने जा रहे हैं, तो शेक करके हम जैसे ही इसमें फ्यू ड्रॉप्स 2,4-DNP सॉल्यूशन मिलाते हैं तो टेस्ट ट्यूब में अपना येलो PPT आ रही है। देखिए टेस्ट ट्यूब के अंदर जम गई है पूरी, तो ये अपना येलो PPT क्लियर है। इस तरह से अपना ये 2,4-DNP टेस्ट एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए होता है। कन्फर्मेशन टेस्ट के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं शिफ्ट रिएजेंट टेस्ट। तो क्या करना होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हम शिफ्ट रिएजेंट मिलाते हैं तो अपना डार्क पिंक कलर आ जाता है, यानी अपना एल्डिहाइड ग्रुप कन्फर्म हो जाता है। ये अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम शिफ्ट रिएजेंट ऐड कर रहे हैं, तो सिर्फ
वन ड्रॉप्स हमने ऐड की और टेस्ट ट्यूब में अपना डार्क पिंक कलर आ गया है, तो अपना एल्डिहाइड ग्रुप कंफर्म होता है। टेस्ट नंबर 6, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम क्या करते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन मिलाते हैं, पहले फेलिंग ए मिलाते हैं, फिर फेलिंग बी मिलाते हैं और फिर उसको हम हीट करते हैं, तो अपना जो है ब्राउन कलर आ जाता है। ये टेस्ट भी अपना एल्डिहाइड को कंफर्म करता है। ये अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें हम फेलिंग ए सॉल्यूशन ऐड करेंगे। फेलिंग ए अपना कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, और इसे हम शेक करेंगे। फिर हम लेते हैं अपना फेलिंग बी सॉल्यूशन, ये अपना फेलिंग बी सॉल्यूशन, ये अपना रोशेल साल्ट होता है, सोडियम पोटेशियम टार्टर भी बोलते हैं इसको। तो ये अपना डार्क कलर आ गया, पिंक, सॉरी डार्क ब्लू कलर, और इसे हम जब हीट करते हैं बर्नर पे तो इस तरह से ये गर्म होता है। इसको वाटर बाथ से भी धीरे धीरे गर्म कर सकते हैं, हम इसको बर्नर से कर रहे हैं ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए। और जब इसको हम हीट करने के बाद थोड़ा ठंडा होने देंगे तो इसमें कलर ब्राउन आएगा। अब ये हीट हो चुका है, इसे हम रहने देते हैं, बर्नर ऑफ कर देते हैं। तो जैसे जैसे ये ठंडा होता है इसका कलर ब्राउन हो जाता है। कुछ टाइम हमें वेट करना रहता है, अभी तक ये ठंडा हो रहा है तो इसमें ब्राउन कलर क्लियरली दिख रहा है। और अपना लास्ट टेस्ट है टोलेन रिएजेंट टेस्ट। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम टोलेन रिएजेंट जब हम ऐड करते हैं तो अपने ब्लैक पीपीटी या सिल्वर मिरर आता है, तो अपना एल्डिहाइड कंफर्म होता है। सिल्वर मिरर अपने को ऊपर की तरफ और टेस्ट ट्यूब में वॉल पे और साइड में नीचे की तरफ भी अपने सिल्वर दिखाई देती है, क्योंकि इसके अंदर सिल्वर जो है नीचे बैठ जाती है, इसलिए अपने को एक सिल्वर मिरर दिखता है। और ये जो अपना टोलेन रिएजेंट है, अगर अपने पास नहीं है तो अपन क्या कर सकते हैं, सिल्वर नाइट्रेट के अंदर NaOH और अपना NH4OH मिलाकर हीट करेंगे तो अपना टोलेन रिएजेंट बन सकता है। तो फिलहाल अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड में टोलेन रिएजेंट मिलाएंगे तो अपना ब्लैक पीपीटी या फिर अपनी सिल्वर मिरर बनती है, तो अपना एल्डिहाइड कंफर्म होता है। टोलेन रिएजेंट टेस्ट करने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम टोलेन रिएजेंट ऐड करते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो इसमें हम जैसे ही टोलेन रिएजेंट ऐड करते हैं तो अपना ब्लैक पीपीटी आ जाती है, और जो अपना टेस्ट ट्यूब है उसकी जो वॉल है वहाँ पे हमें सिल्वर जमी हुई दिखाई देती है, क्योंकि इसमें सिल्वर जो है नीचे बैठती है, तो टेस्ट ट्यूब की वॉल पे और बॉटम में हमें सिल्वर दिखाई देगी। तो ये अपना सिल्वर मिरर बनता है, इतना क्लियर नहीं है सिल्वर मिरर, फिलहाल अपनी ब्लैक पीपीटी आ रही है तो भी अपना एल्डिहाइड ग्रुप कन्फर्म हो रहा है। इसको कुछ टाइम हम रखते हैं तो अपना इस तरह से दिखाई देगा। तो ये अपनी ब्लैक पीपीटी और सिल्वर मिरर दिख रहा है। अब हम जल्दी से रिएक्शंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन जो टेस्ट था अपना 2,4-DNP टेस्ट, उसके अंदर कौन सी रिएक्शन होती है। तो हमारा जो ये टेस्ट है ये कार्बोनिल ग्रुप अपने एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में होता है, उसकी हम 2,4-DNP से रिएक्शन कराते हैं। तो ये अपना वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है H2O यहाँ से, और अपना ये येलो पीपीटी आती है, तो ये टेस्ट अपना आराम से हो जाता है, वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है। यस, अपना अगला टेस्ट है शिफ्ट रिएजेंट टेस्ट। तो ये अपना शिफ्ट रिएजेंट जो अपना एल्डिहाइड होता है उसके 3 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके ये स्ट्रक्चर बनती है, तो अपना मैग्नेटा कलर या पिंक कलर आता है। तो ये अपने शिफ्ट रिएजेंट की रिएक्शंस है। अगला देखते हैं अपन फेलिंग टेस्ट। तो एल्डिहाइड अपना इसके अंदर हम फेलिंग सॉल्यूशन डालते हैं, तो ये अपना फेलिंग सॉल्यूशन ए और बी मिलाने पर ये बनता है, और अपना बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड और अपना क्यूपरस ऑक्साइड बनता है, और ये अपना रेड पीपीटी आती है।
आसानी से ये टेस्ट होता है। अगला टेस्ट है अपना टोलेंस रिएजेंट टेस्ट, तो अपना एल्डिहाइड और अपना टोलेन रिएजेंट रिएक्शन करके अपना, तो इसका सिल्वर मिरर आता है अपना, और इधर अपना अमोनिया नहीं वाटर के ड्रॉप, वाटर के मॉलिक्यूल बनते हैं। तो इन टेस्ट से अपना एल्डिहाइड ग्रुप कन्फर्म होता है। यस, हमने बड़ी आसानी से अपने प्रैक्टिकल को परफॉर्म किया, तो हमारा रिजल्ट रहा कि CHO, CHO4 एल्डिहाइड ग्रुप जो है प्रेजेंट है अपने गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो आसानी से ये टेस्ट हो जाता है, आराम से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।